are fit and fine. I am Rekha Kadyan from Government Model Sanskriti Primary School, Choma, Gurugram. Today I am here with the telecast of Haryana Asset, broadcasting by Haryana School Education Department. Students, what do you see in the picture? चित्र में आप क्या देख रहे हो? मैम, चित्र में लड़के के पास एक मैजिक लैंप दिखाई दे रहा है। Yes, in the picture, a boy is rubbing a magic lamp. चित्र में एक लड़का एक जादुई चिराग को रगड़ रहा है। Students, have you heard the story Aladdin and his magic lamp? क्या आपने अलादीन और उसके जादुई चिराग की कहानी सुनी है? Yes, ma'am. हमने सुनी है। Okay, बेटा, कहाँ सुनी आपने और किससे सुनी? मैंने तो अपनी नानी से सुनी थी जब मैं अपने नाना के घर गया था। मैम, मैंने अपनी दादी माँ से सुनी है। ओके बेटा, इफ यू गॉट द मैजिक लैम्प, व्हाट वुड यू विश टू गेट? यदि आपको जादुई चिराग मिल गया होता तो आप क्या इच्छा मांगते? मैं तो नई साइकिल मांगता। अच्छा मैम, मैं बताऊं? हाँ बेटा बताओ। मैं तो खाने पीने का बहुत सारा सामान मांग लेता। अच्छा, और कोई? मैम, मैं तो बड़ी सी कार मांग लेता। अच्छा ठीक, ओके। मैम, अगर आपको ये जादुई चिराग मिलता तो मैम आप क्या मांगते? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया बेटा। अगर मुझे ये जादुई चिराग मिलता, आई विश टू रिमूव सोरो एंड सैडनेस फ्रॉम दिस वर्ल्ड। मैं इस संसार के दुख और उदासी को दूर करने की इच्छा मांगती। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अ न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 7, किंग मिडास एंड हिज डॉटर। राजा मिडास और उसकी बेटी, ये एक स्टोरी है। प्यारे बच्चों, आप सभी ध्यान से स्टोरी को सुनोगे। किंग मिडास लिव्ड एंड रूल्ड अलोन। लॉन्ग टाइम अगो देयर वाज ओनली टू थिंग्स दैट ही लव्ड। वन वाज हिज लवली डॉटर एंड द अदर वाज गोल्ड। He had rooms and rooms filled with things made of gold, but he was never satisfied. He always wanted more gold. बहुत समय पहले की बात है, मिडास नाम का राजा शासन करता था। वह केवल दो ही चीज़ों से प्यार करता था, एक थी उसकी प्यारी बेटी और दूसरा था सोना। उसके पास सोने से बनी चीज़ों के बहुत से कमरे भरे हुए थे, लेकिन वह कभी भी संतुष्ट नहीं होता था। हमेशा अधिक से अधिक सोना चाहिए था। A strange man came to his palace and asked, "O king, are you a happy man?" एक दिन एक विचित्र आदमी उसके महल में आया और पूछा, हे राजन, क्या आप एक प्रसन्न व्यक्ति हो? नो, नहीं, सेड किंग मिडास। राजा मिडास ने कहा, आई वांट मोर गोल्ड। मुझे अधिक से अधिक सोना चाहिए। आई विल गिव यू अ गिफ्ट, सेड द स्ट्रेंज मैन। फ्रॉम नाउ ऑन एवरीथिंग यू टच विल टर्न इनटू गोल्ड। द किंग वाज वेरी प्लीज्ड। He went around touching things and they turned into gold. Whatever he touched, chairs, tables, curtains, flowers turned into gold. He was very happy. Then
he sat down to eat his lunch. But as soon as he touched his food, it turned into gold. He tried to drink water, but the water too turned into gold. He got up from the table, hungry and thirsty. मैं आपको एक उपहार दूंगा, उस विचित्र आदमी ने कहा। अब के बाद से कोई भी चीज़ जिसे आप छूओगे तो वह सोने की बन जाएगी। राजा बहुत प्रसन्न था। वह चीज़ों को छूता हुआ चारों ओर घूम गया और वो चीज़ें सोने की बन गई। जिस भी चीज़ को उसने छुआ, कुर्सियाँ, मेज, पर्दे, फूल, सभी सोने में बदल गए। वह बहुत खुश था। तब वह अपना दोपहर का भोजन करने के लिए बैठ गया, लेकिन जैसे उसने अपने भोजन को स्पर्श किया तो वह सोने में बदल गया। उसने पानी पीने का प्रयास किया, लेकिन पानी भी सोने में बदल गया। वह भूखा और प्यासा ही मेज से उठ गया। मिडास रियलाइज्ड हिज मिस्टेक। जस्ट देन हिज लिटिल डॉटर केम इनटू द रूम एंड रश टू हिम बिफोर द किंग कुड स्टॉप हर। सी हग्ड हिम एंड लो, सी एट वंस टर्न्ड इनटू अ स्टैचू ऑफ गोल्ड। राजा मिडास को अपनी गलती का एहसास हो गया। तभी उसने छोटी बेटी कमरे के तुरंत अंदर आ गई और वो भागते हुए आई। इससे पहले कि राजा उसको रोक पाता, वह उससे गले लग गई और देखते ही देखते वह लड़की तुरंत सोने के एक भूत में बदल गई। Wept and wept, but there was nothing he could do. The stranger came again the next day. You must be very happy now, he said. But the king shook his head sadly. No, he said, I have lost everything I love. I have realized my mistake. राजा मिडास रोता रहा और रोता रहा, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर सकता था। वह अजनबी अगले दिन फिर से आया। अब तो आप अवश्य ही बहुत खुश होगे, उसने कहा। लेकिन राजा ने उदासी के साथ अपना सिर हिलाया। नहीं, उसने कहा, मैंने हर उस चीज़ को खो दिया जिससे मैं प्यार करता था। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। Stranger was a kind man. He said, bring water from the river and sprinkle it on everything. You will get back everything you have lost. King Midas quickly fetched water from the river. First he sprinkled it on his daughter and she came back to life. Then he sprinkled it on everything around him. He got back his food and water too. He was really happy now. He thanks the stranger heartily. वह अजनबी एक दयालु आदमी था। उसने कहा, नदी से पानी लेकर आओ और उसे प्रत्येक चीज़ के ऊपर छिड़क दो। आपको प्रत्येक वह चीज़ जो आपने खोई है मिल जाएगी। राजा मिडास जल्दी से नदी से पानी लेकर आया। सबसे पहले तो उसने पानी को अपनी बेटी के ऊपर छिड़का और वह जीवित हो उठी। तब उसने पानी को अपने आसपास प्रत्येक वस्तु के ऊपर छिड़क दिया। उसने अपने भोजन और पानी को भी फिर से प्राप्त कर लिया। अब वह वास्तव में खुश था। उसने अजनबी का हृदय से धन्यवाद किया। अब मुझे बताओ, आप सभी को स्टोरी कैसी लगी? मैं बहुत अच्छी लगी। अच्छा, तो क्या कोई मुझे बता सकता है इस स्टोरी से हमने क्या सीखा है? मैं, हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। जो हमारे पास होता है हमें उसी में ही सब्र करना चाहिए, हमें लालच नहीं करना चाहिए। वेरी गुड बेटा, इस स्टोरी से हमें यही सीख मिली है कि जो हमारे पास है हमें उसी में खुशी से रहना चाहिए और हमें और ज़्यादा वस्तुओं का लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच बुरी आदत है। हमें लालच से बचना चाहिए, लालची नहीं बनना चाहिए।
स्टोरी पढ़ने के बाद अब हम करेंगे इस चैप्टर में आए हुए न्यू वर्ड्स. फर्स्ट वर्ड इज फिल्ड, भरे हुए. स्ट्रेंज, विचित्र. टर्न, बदलना. प्लेस्ड, प्रसन्न. रियलाइज्ड, महसूस किया. मिस्टेक, गलती. रास्ट, भागना. हाग, गले लगाना. स्टैचू, भूत. स्प्रिंकल, छिड़कना. हार्टली, दिल से. कॉम्प्रिहेंशन. इन फर्स्ट मैच द ग्रुप ऑफ वर्ड इन ए विद दोज इन बी टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस. किंग मिडास वाज अ वेरी ग्रीडी मैन. ही वंस गॉट अ स्ट्रेंज गिफ्ट. व्हाटएवर ही टच्ड turned into gold. Daughter of King Midas turned into a statue of gold. Soon the king realized his mistake. Suna, अच्छे से समझा. अब हम करेंगे question answer. First question is, What did King Midas love very much? Raja Midas किस चीज से बहुत अधिक प्यार करता था? And the answer is, the King Midas loved his daughter and gold very much. Raja Midas अपनी बेटी और सोने से बहुत अधिक प्यार करता था. Next question is, Who came to the king's palace? राजा के महल में कौन आया? एंड द आंसर इज अ स्ट्रेंज मैन केम टू द किंग पैलेस. एक विचित्र आदमी राजा के महल में आया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई वाज किंग मिडास एन अनहैप्पी मैन. राजा मिडास एक अप्रसन्न आदमी क्यों था? King Midas was an unhappy man because he wanted more and more gold. Raja Midas एक अप्रसन्न आदमी था क्योंकि उसे अधिक से अधिक सोना चाहिए था. Next question is, What gift did the stranger give to the king? अजनबी ने राजा को क्या उपहार दिया? The stranger gave a gift to the king that everything he touched would become gold. अजनबी ने राजा को एक उपहार दिया कि जिस भी चीज़ को वह छुएगा वह सोना बन जाएगी. Next question, What happened when the king touched anything? जब राजा किसी भी चीज़ को छूता तो क्या होता था? एंड द आंसर इज इट टर्न इनटू गोल्ड. वह सोने में बदल जाती. नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड किंग मिडास थैंक्स द स्ट्रेंजर अगेन एट द एंड. अंत में राजा मिडास ने अजनबी का फिर से धन्यवाद क्यों किया? एंड द आंसर इज द किंग मिडास थैंक्स द स्ट्रेंजर एट द एंड बिकॉज ही गॉट बैक हिज एवरीथिंग अगेन. राजा मिडास ने अजनबी का धन्यवाद किया क्योंकि उसने अपनी प्रत्येक चीज़ को फिर से प्राप्त कर लिया था. राइट द वर्ड विद देयर मीनिंग. हमारे पास जो वर्ड दिए गए हैं हमें उसके सामने दूसरा ऐसा वर्ड लिखना है जिसका अर्थ भी सेम हो. यानी कि जो वर्ड हमारे पास है उसको हम और क्या बोल सकते हैं, हमें सेम मीनिंग सेम वर्ड से ही निकालना है. फर्स्ट वर्ड इज़
gift. And the meaning is present. Folly, fault. Fetch, bring. Pleased, happy. Write the word with their opposite. Up, down. Sad, happy. Kind, cruel. Day, night. More, less. Quickly, slowly. Love, hate. Lost, found. हमने किए हैं फर्स्ट वर्ड विच हैव सेम मीनिंग, जिनका समान अर्थ था, और सेकंड एक्सरसाइज में हमने किए हैं अपोजिट वर्ड, यानी कि जो वर्ड हमें दिया गया है हमें उसका अपोजिट उल्टा बताना था। आप सभी बच्चों इसकी प्रैक्टिस करेंगे। फ्रेंड्स, आप सभी ने चैप्टर को बहुत अच्छे से सुना है, अच्छे से समझा है, तो अब आपको कुछ ऐसे वर्ड्स बताने हैं जो किंग मिडास से संबंधित हैं, यानी कि किंग मिडास से संबंधित हमें कुछ वर्ड्स लिखने हैं। तो चलो इस एक्सरसाइज को करते हैं। हमारा मेन वर्ड है किंग। किंग मिडास से संबंधित हमारे जो वर्ड्स हैं, पैलेस, गोल्ड, डॉटर, रूम्स, चेयर, वाटर, फूड, टेबल। डियर स्टूडेंट, दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर राजा मिडास एंड हिज डॉटर। रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर यू विल बी वॉचिंग इन अवर नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। Thank you.